जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है आपका 9 अगस्त, और 9 अगस्त को दोस्तों आपका SSC CHSL का एग्जाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपके GK DS के पोर्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कल का जो PDF नहीं मिल पाया था, वो किसी कारणवश नहीं मिल पाया था, तो आज दोनों दिन का PDF आपको दे दिया जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर भी 11,000 जो आपके सब्सक्राइबर हैं होने वाले हैं, तो आप लोग जाकर जल्दी करवा दीजिए। तो देखिए, आज का जो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है। ठीक है, हूबहू ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, और ऑप्शन भी डायरेक्ट आपका इसी प्रकार करके आया था कि अप्रत्यक्ष कर, पूंजी उपभोग छूट, या इमदाद या ब्याज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाना है अप्रत्यक्ष कर। ठीक, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, NNP में से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं तो दोस्तों आपका राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय इक्वल टू उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, बराबर NNP बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। ठीक है, तो क्या घटाने पर, तो अप्रत्यक्ष कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, वो पूछा गया था आपका नवाड से संबंधित कथन टाइप प्रश्न आया था कि नवाज से संबंधित 3 कथन दिए गए थे, तीनों कथन मिल गए हैं, और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए से कथन का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इस प्रकार करके दिया गया था, और पूछा गया था ए बी सही है या ए सी सही है या ए सही है या ए डी सही है, इस प्रकार करके क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो कौन कौन से कथन पूछे गए थे, उनमें से एक कथन आपका ये दिया गया था कि पहला कथन था कि नवाद एक वित्तीय संस्थान है जो कि ग्रामीण बैंकों पर केंद्रित है। ये बिल्कुल राइट आंसर है, नवाद एक वित्तीय संस्था ही है जो कि ग्रामीण बैंकों को लोन देती है। ठीक है, तो ये कथन आपका सही था। एक कथन था कि इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 की जगह आपका 2015 दिया गया था। ठीक है, 82 की जगह आपका 2015 दिया गया था, जो कथन ये वाला कथन आपका गलत था। ठीक है, 2015 में नहीं, आपका 12 जुलाई 1982 को हुआ था शिव रमन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, इसके अलावा एक कथन था कि नवाद ने HSD को डिजिटल बनाने की पहल शुरू की थी, तो बिल्कुल की थी। नवाद ने देश में सभी SHG यानी कि स्वयं सहायता समूह के डिजिटलीकरण के लिए एक परियोजना इस शक्ति शुरू किया था। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका मैंने ही स्टूडेंट नहीं, ये आपका स्क्रीनशॉट भेजा था, जो उनको PDF प्रोवाइड कराया गया था। ये तो PDF आपका टेलीग्राम का ही है, लेकिन जो आपका पेड PDF चलाया जाता है उसमें से और अतिरिक्त फैक्ट को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आपका टेलीग्राम पर का PDF आपको दिया गया था। ठीक है, उनमें से जो आपका PDF था, उस PDF में ही 3 कथन आपको दिए गए थे। अगर थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ते तो देखिए, पहला जो कथन आपका दिया गया था स्थापना के बारे में, जो कि आपका 12 जुलाई 1982 को हुआ था, तो स्थापना के बारे में दिया गया था। और दूसरा कथन दिया गया था कि एक वित्तीय संस्थान है या बैंक है जो कि मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है, दूसरा कथन ये दिया गया था। और तीसरा कथन आपका दिया गया था कि आपका ये नवाड ने पायलट प्रोजेक्ट इस शक्ति के माध्यम से भारत में स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG को डिजिटल करने की शुरुआत किया था। ठीक है, तो इस सारे फैक्ट्स को आपका इसी PDF में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, तो ये तो फ्री PDF था, बाकी जो पेड PDF लेना चाहते हैं आप लोग क्या कीजिएगा, अगर SSC के द्वारा जितने भी एग्जाम अभी तक कंडक्ट हुए हैं, ठीक है, 2023 में, चाहे SSC CGL का हो 39 शिफ्टों में, SSC MTS का हो 57 शिफ्टों में, या SSC CHSL का हो 2022 वाला 36 शिफ्टों में, और 2023 का जो आपका एग्जाम चल रहा है 16/4/20 शिफ्टों का एग्जाम आज मिलाकर खत्म हो जाएगा, उन सभी का PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 59 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए 2 WhatsApp नंबर हैं, उनमें से किसी नंबर पर आप मैसेज करके सभी प्रश्नों के साथ उसी तरह से आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलते हैं, वो तो आपको फ्री PDF था जो कि टेलीग्राम पर हर रोज जाता है। ठीक है, उसी तरह से और भी फैक्ट्स को जोड़ा जाता है। अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो डेमो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाइए, ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया रहेगा आपका व्हाट्सएप चैट का, वहाँ से भी रिडायरेक्ट हो सकते हैं, ये तो व्हाट्सएप नंबर पर भी आ सकते हैं। नंबर को सेव करके इसमें आपका GK GS और करंट अफेयर्स के प्रश्न जो कि शामिल किए जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से सभी जो प्रश्न आपके होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके PDF से ही रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, ये हम नहीं कहते हैं, बारह उतना मेरे पास टाइम नहीं होता है कि आपको एक एक स्क्रीनशॉट करके दिखाएं, क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा जो भेज दिए जाते हैं वो जो आपके नॉलेज में आ जाता है उसको हम आपके सामने बता देते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रमेश बैस को 13 फरवरी, रमेश बैस हैं जो कि राज्यपाल हैं वर्तमान में महाराष्ट्र के, तो 13 फरवरी 2023 से पहले किस राज्य के गवर्नर थे, ये दोस्तों आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो रमेश बैस की बात करें तो ये तो वर्तमान में आपके कहाँ के गवर्नर हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र से पहले यानी कि 13 फरवरी 2023 से पहले ये आपका झारखंड के राज्यपाल थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपको 13 फरवरी 2023 का वो दिन था जो जिस दिन आपका भारत
भारत में 13 राज्यों के जो राज्यपाल हैं बदले गए थे, या बदले गए थे एक जगह से दूसरी जगह, नहीं तो नए बनाए गए थे। ठीक है, वो 13 राज्य के राज्यपाल कौन कौन से हैं एक नज़र हम लोग देख लेते हैं, ताकि आने वाले स्टूडेंट के लिए एक अंक अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए तो वो आपका कन्फर्म हो जाए, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ज़्यादातर लोग हैं जो कि इग्नोर करते हैं। तो पहला जो स्टेट है आपका आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिक्रम को। ठीक है, केवल्य त्रिक्रम परनाइम को बनाया गया है। इनमें से कोई एक नाम, एक शब्द आपका चाहे केवल्य याद रखिए, चाहे त्रिक्रम याद रखिए, या परनाइम याद रखिए। ठीक है, आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश को राज्यपाल बनाए गए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ के राज्यपाल कौन थे, तो यहाँ के राज्यपाल उससे पहले यानी कि 13 फरवरी 2022 से पहले आपकी वीडी मिश्रा जी थे। ठीक है, तो इस ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर सिक्किम का अगर आपसे पूछ दिया जाए नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। ठीक है, लेकिन पहले के राज्यपाल कौन थे, तो गंगा प्रसाद चौरसिया। ठीक है, गंगा प्रसाद चौरसिया यहाँ के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम लोग हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर। ठीक है, अब आपका कौन बने हैं वर्तमान में कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप शुक्ल पहले थे, अब आपका राजेंद्र विश्वनाथ अलड़कर बने हैं। ये आपका पहले थे हिमाचल प्रदेश का, लेकिन अब कहाँ का बन गए हैं, तो ये आपका बन गए हैं बिहार का। ठीक है, ये आप बिहार का राज्यपाल बन चुके हैं वर्तमान में, वहीं के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलड़कर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए असम के बारे में, तो असम के पहले के जो राज्यपाल थे आपके जगदीश मुखी थे, लेकिन अब वर्तमान में आपके गुलाब चंद्र कटारिया आपके वर्तमान में राज्यपाल हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का राज्यपाल, ये आपका पूछा भी जा चुका है पहले भी कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में तो आपके एस अब्दुल नजीर हैं, लेकिन पहले कौन थे, तो पहले आपके विश्वाभूषण हरिचंदन। ठीक है, विश्वाभूषण हरिचंदन आपके पहले के राज्यपाल थे। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, तो ये आपके जो विश्वाभूषण हरिचंदन थे वो आपका आंध्र प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, लेकिन वर्तमान में आपके कहाँ के राज्यपाल हैं, तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। और छत्तीसगढ़ के जो पहले के राज्यपाल थे वो आपकी अनुसुईया उइके थे। ठीक है, कौन थे, अनुसुईया उइके थे। इसके अलावा मणिपुर, जो कि अभी आप लोग देख ही रहे होंगे मणिपुर के इस हिंसा से ग्रस्त है अभी। ठीक है, तो मणिपुर के जो राज्यपाल हैं वो दोस्तों आपके वर्तमान में अनुसुईया उइके हैं, जो कि पहले आपका छत्तीसगढ़ के थे। ठीक है, लेकिन और पहले की बात करेंगे तो ला गणेशन आपके पहले के राज्यपाल थे मणिपुर के। नागालैंड, जो कि ला गणेशन आपके पहले के राज्यपाल थे, वर्तमान में आपके नागालैंड के राज्यपाल हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा मेघालय की बात करेंगे तो फागु चौहान वर्तमान में राज्यपाल हैं। फागु चौहान की बात करेंगे तो ये आपके पहले कहाँ के राज्यपाल थे, बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, तो बिहार के राज्यपाल वर्तमान में आपके विश्वनाथ अलेकर हैं, पहले आपके फागु चौहान थे। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में आपके रमेश बैस हैं, पहले आपके भगत सिंह कोश्यारी थे। इसके अलावा लद्दाख की बात करेंगे तो वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं पूर्व ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा हैं, क्योंकि लद्दाख जो कि आपका एक क्या है, यूटी है, नहीं यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो इन 13 राज्यों के जो राज्यपाल हैं आपके बदले गए थे 2013 में। तो आज क्वेश्चन बना है, तो हो सके कल भी बनेगा, आगे आने वाले शिफ्टों में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसलिए हमने आपको 13 राज्यों के जो राज्यपाल थे नए और पुराने दोनों आपको बता दिए हैं। आशा करते हैं कि यहाँ से जब प्रश्न आपके बनेंगे तो आप गलत नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार है जो कि दिया जाता है। ठीक है, तो संगीत के क्षेत्र की बात करेंगे तो संगीत के क्षेत्र में दोस्तों आपका संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार दिया जाता है। आशा करते हैं कि आप लोग सही कर लिए होंगे, क्योंकि संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार के बारे में हम लोग ने बहुत प्रश्नों में डिस्कस किया था कि इस नृत्यकन्या को यहाँ मिला है या इस कलाकार को इस समय मिला है। ठीक है, इसके अलावा संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार की बात करेंगे तो वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के एक स्वायत्त निकाय है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अकादमी प्रदर्शन कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और परियोजनाओं की स्थापना करती है, तो कुछ महत्वपूर्ण संस्थान देख लेते हैं जो कि यहाँ से प्रश्न बन चुका है। पहला तो बना था आपका कथक केंद्र, आपका राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान कहाँ पर है, तो आपका नई दिल्ली में था, जो कि 1964 में स्थापित हुआ था। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात करेंगे तो उसकी जो हेडक्वार्टर है वो आपका नई दिल्ली में है, 1959 में इसकी स्थापना हुआ था। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की बात करेंगे तो इम्फाल में है, मणिपुर नाम से आपको लग रहा होगा, 1954 स्थापित हुआ था। एक आपका कुट्टी आटम है जो कि केरल का संस्कृत थिएटर है, पूरी भारत के छऊ नृत्य असम की स्तरीय परंपरा आदि के समर्थन की राष्ट्रीय परियोजना है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका अगला जो पूछा गया वो पूछा गया कि किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए राज्य के दायित्व से संबंधित प्रावधान शामिल है, तो इसका राइट आंसर आपका आर्टिकल 49। ठीक है, आर्टिकल 49 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 49 कहता गया है राज्य को ये निर्देश देता है कि जो भी आपकी जो विरासत है संस्कृति है उसका जो रक्षा करना है आपका प्रावधान है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 44 है जो कि आपका बहुत आपका अभी चर्चा में चल रहा है, आपका समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड संबंधित, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा।
एक क्वेश्चन फिर अनुच्छेद जो आपका 45 है उसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 48 की बात करेंगे तो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन जीव की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान आपका अनुच्छेद 48 में क्या गया है। अनुच्छेद अगर आपसे 50 को दिया जाए तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण जो आपका प्रावधान है अनुच्छेद आपका 50 में है। इसके अलावा अनुच्छेद 51 बात करेंगे तो अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, जो कि दोस्तों आपका ये सभी जो अनुच्छेद है आपका DPSP के अंतर्गत ही आता है, तो अनुच्छेद 51 को भी आप लोग याद रख ही लीजिए। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो आपके प्रावधान है अनुच्छेद 51 में है, जो आपको इतने अनुच्छेद जो आपको बताएं 48 बताएं 49 बताएं 50 बताएं 51 बताएं 45 बताएं 44 बताएं, ये सभी अनुच्छेद आपका DPSP के अंतर्गत आता है। DPSP यानी कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आपका आयरलैंड के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में लिया गया था, भाग 4 के अंतर्गत आपका आता है। बस आपको इतना ही याद रखने की जरूरत है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अनुच्छेद 39 से संबंधित, प्रश्न क्लियर नहीं मिल पाया है, लेकिन यहां पर जब अनुच्छेद की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो 39 को भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। अनुच्छेद जो आपका 39 है वो कहता है कि नागरिकों पुरुष और महिलाओं के समान रूप से आजीविका को पर्याप्त साधन का अधिकार देता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 39 आपका ये कहता है, अनुच्छेद 39 से आपका क्या प्रश्न बना था वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे, ठीक है। तो 26 जनवरी 2023 जो आपका हाल में संपन्न हुआ है उसमें जो आपके मुख्य अतिथि थे आपके अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है, अब्दुल अल सीसी थे, जो कि आपका कहाँ के मिस्र के राष्ट्रपति है यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति थे। जो 26 जनवरी 2023 को जो गणतंत्र दिवस आयोजन हुआ था वहाँ के मुख्य अतिथि थे, लेकिन पहली बार आपका जो 26 जनवरी 1950 में, ठीक है, पहला जो गणतंत्र दिवस है आपका 1950 में बना था, ठीक है। 1950 में जो आपकी मुख्य अतिथि थे, जो कि बार बार आपका जो प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि पहला और वर्तमान, ठीक है, ये दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहले आपके राष्ट्रपति कौन थे, सुकर्णी थे, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इसके अलावा आपका 1951 के बारे में भी देख लें तो आपके कौन थे, तो राजा त्रिभुवन वीर विक्रम सिंह थे, जो कि आपका नेपाल के उस समय राजा थे। इसके अलावा इससे पहले 2023 से पहले आपका जो मुख्य अतिथि बनकर आए 2019 में आए, तो आप बोलिएगा सर 2023 से पहले 2022 आता है, 2021 आपका 21 आता है, तो आपके बता दें कि 2022 और 2021 में दोस्तों आपके कोई भी मुख्य अतिथि है जो कि आपके नहीं आए थे, ठीक है। तो 2019 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति आपके कौन थे, राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा थे, ठीक है, जो कि आपके साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। 2020 में कौन बना था आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायद फसल है जो कि कब बोया जाता है, ठीक है। तो जायद फसल की बात करेंगे तो ये तो दोस्तों आपको बोया जाता है मार्च और अप्रैल के महीनों में, ठीक है, लेकिन आप ऑप्शन आपको इस प्रकार दिया गया था कि रबी फसल के बाद या आपका रबी फसल या खरीफ फसल के बाद या खरीफ फसल से पहले, इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा रबी और खरीफ फसल के मध्य में बोया जाने वाला फसल है, ठीक है। तो मध्य बीच वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मार्च अप्रैल के महीने में बोया जाता है। इस फसल में जो प्रमुख आपके फसल होते हैं वो आपके टंडा, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई, भंडी, अरबी शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया था ICC वोमेन इमर्जिंग प्लेयर 2022 के विजेता कौन है, तो ये भी प्रश्न आपको हमने बताया था जब सूर्य कुमार यादव के बारे में पूछा गया था कि ICC की तरफ से T20 आपका जो बेस्ट प्लेयर है उसको किससे शामिल किया गया था, तो आपका सूर्य कुमार यादव राइट आंसर था। उसी में हमने आपको बताया था कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ 2022 भी ICC के द्वारा भारत की ओर से ही रेणुका सिंह को ही आपको चुना गया है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेणुका सिंह हो जाएंगे, ठीक है। रेणुका सिंह जो कि आप तस्वीर में देख भी सकते हैं, ICC इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 जो कि BCCI के द्वारा ही अपलोड किया गया था। इसके अलावा ये आपसे प्रश्न बन चुका है कि मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया था, तो बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को चुना गया था। इसके अलावा पुरुष कैटेगरी की बात करेंगे, ये आपका इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर का, तो ये दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका के जो तेज गेंदबाज थे मार्को जैनसन को चुना गया था, और फीमेल में वुमेन्स में आपका रेणुका सिंह को चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर कितना था, ठीक है। मृत्यु दर आपसे पूछा गया था, ऑप्शन आपका 7.2%, 10%, 6.8% और 12% दिया गया था, जिसका राइट आंसर आपका 7.2% आपका हो जाएगा प्रति 1000, ठीक है, क्योंकि मृत्यु दर जो होता है आपके 1000 लोगों पर कितना मृत्यु होता है उसी की गणना को हम लोग मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। तो 7.2%
प्रतिशत आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर आपसे पूछ दिया जाए, शिशु मृत्यु दर भारत में कितना है वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आपका 44 राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों आपका जो मृत्यु दर है 1951 में कितना था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 51 में आपका पहली जनगणना है जो कि स्वतंत्रता के बाद आपका आयोजित हुआ है, तो उस समय का जो मृत्यु दर था वो दोस्तों आपका 25 था, 25% था, जो कि घटकर 2011 में 7.2% हो गया था। वहीं पर बात करें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा अगर आपसे पूछा जाए, तो 1951 में आपका 36.7% था, जो कि आपका 2011 में बढ़कर आपका 67.9% हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निल्स बोहर ने बोहर मॉडल की खोज जो कि किस वर्ष किया था, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 1913, ठीक है, 1913 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निल्स बोहर ने 1913 में परमाणु हाइड्रोजन मॉडल पेश किया, उन्होंने इसे एक सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए नाभिक के रूप में वर्णित किया जिसमें प्रोटोन और न्यूट्रॉन शामिल थे, जो एक नकारात्मक चार्ज इलेक्ट्रॉन बादल से घिरा होता। मॉडल में इलेक्ट्रॉन परमाणु कोश में नाभिक की परिक्रमा करते हैं, तो 1913 इसका राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इंडिया 82 ग्रैंड मास्टर के बारे में आपसे पूछा गया था, जिसमें से एक ऑप्शन आपका बी प्रणीत का था, जो कि आपका राइट आंसर था। ठीक है, इंडिया के जो 82 ग्रैंड मास्टर बने हैं आपके 2023 में, वो आपके बी प्रणीत बने हैं, तो आपका राइट आंसर बी प्रणीत हो जाएगा। इसके अलावा इंडिया के 83 भी ग्रैंड मास्टर आपके बन चुके हैं, जो कि आपकी आदित्य सावंत बने हैं, ये दोस्तों आपके वेस्ट बंगाल के थे, और बी जो प्रणीत है वो दोस्तों आपके तेलंगाना के थे। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे 2023 फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप का किसने जीता है, तो ये दोस्तों आपका जीता है जीएम डिंग लीरेन ने। ठीक है, किसने जीता है, जीएम डिंग लीरेन ने आपका 2023 का फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम किया है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के तौर पर आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लॉर्ड्स जो क्रिकेट ग्राउंड में 2012 में ओलंपिक का कौन सा प्रतियोगिता खेला गया था। ठीक है, तो 2012 का जो ओलंपिक है वो दोस्तों आपका लंदन में आयोजित हुआ था, उसमें से आपका कहां पर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, जो कि मुख्य रूप से आपका क्रिकेट का था, लेकिन वहां पर एक आपका ओलंपिक का जो प्रतियोगिता है खेला गया था, इवेंट खेला गया था, आर्चरी इवेंट। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2012 का ओलंपिक है महिलाओं की व्यक्तिगत तीरंदाजी प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक यूनाइटेड किंगडम के लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो तीरंदाजी या आर्चरी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपसे आज पूछा गया था। ठीक है, तो ये सभी जो प्रश्न है आपके आज के सेकंड सेमेस्टर में देखने को मिले थे, फर्स्ट में देखने को मिले थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।